नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे वेरी गुड सुनाई दे रहा मुझे बहुत अच्छे ठीक हैं जी ठीक हैं जी बहुत सारे आंसर्स मुझे सुनाई दे रहे हैं ओके बच्चों आशा है आप सब अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत जल्दी ही हमारा पी ए वन एग्जामिनेशन आने वाला है ना आप एग्जाम्स की तैयारी कीजिए उसके साथ साथ अपने हेल्थ पर भी केयर कीजिए अच्छा सा डाइट खा लीजिए और एक्सरसाइज एवरी डे डू द एक्सरसाइज ठीक है भूलना मत और पहले लेसन में मैंने कहा था कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है सुबह और शाम में प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स देते हैं हमारा कैरेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छा बदल देता है ना तो हमारे अंदर बहुत से शक्ति पैदा हो जाती है जिससे हम बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं और हमारे लिए बहुत इजी इजी वे क्रिएट हो जाते हैं देखिए प्रार्थना करने से हमारा ये एग्जाम कितना इजी बन गया है है ना? आपका ऑप्शनल एग्जाम्स है ए बी सी डी सेलेक्शन करने का है ना अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको पैराग्राफ पैराग्राफ का एंसर्स लिखना पड़ता था है ना ये ये क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है ना आपके लिए तो लाइन बाय लाइन अपने हर सब्जेक्ट में लाइन बाय लाइन पढ़िए और सोच कर उत्तर दीजिए ठीक है अब चलें हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज कॉमन थिंग क्रिया पढ़ने जा रहे हैं क्रिया हम क्लास में करते थे ना क्लास में हम क्रियाएं पढ़ते थे कैसे पढ़ते थे क्लास शुरू होने के पहले सब उठ के उठिए बैठिए आइए जाइए खाइए पीजिए है ना आना जाना खाना पीना सोना पढ़ना लिखना हम करते थे ना एक्शन के साथ वही एक्शन वर्ड्स आज हम सीखने जा रहे हैं उसके पहले हम वन टू टेन गिनतियां सीख लेते हैं ओके आज हम क्या सीखने वाले हैं आप जानते हैं अभी देखिए आज हम पहले गिनती पढ़ेंगे गिनती वनली अपू टेन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन तक हम गिनती गिनने जा रहे हैं हिंदी में कैसे गिनेंगे गिनती हम आज हिंदी में गिनती करने जा रहे हैं वन से टेन तक मुझे मालूम है आप सबको मालूम है वन टू टेन गिनतियाँ फिर भी अभी मैं पहली बार इस साल में गिनती स्टार्ट कर रही हूं तो मैं फर्स्ट से आऊ ठीक है नंबर वन से हम गिनती स्टार्ट करेंगे ठीक है बच्चों बच्चा okay, चले गिनती के अंदर देखिए एक, एक. बच्चों आप अच्छी तरह से बोलना तो जानते हैं गिनती एक दो तीन चार पर उसका स्पेलिंग आप गलत करते हैं है ना स्पेलिंग लिखने में आप गलत करते हैं ओके जब भी आप गिनती पढ़ते हैं तो स्पेलिंग के साथ पढ़ लीजिए तब आपके लिए मिस्टेक्स नहीं आएंगे ठीक है देखिए ए क एक आप भी मेरे साथ क एक क एक, एक, एक दो दो द में ओ की मात्रा लगा हुआ है सो द प्लस ओ दो दो टू ती न ती त में बड़ी की मात्रा लगी हुई है सो ती त प्लस ई, न ती, तीन ती, तीन तीन, तीन, तीन। और चार देखिए, च में आ की मात्रा लगी हुई है च में ये है आ की मात्रा आ च प्लस आ चा चार चार, चार। हिंदी में चार कैसे लिखते हैं ऐसे चार पा पा देखिए ये जो है अ साउंड देता है है ना अ प और ये बिंदु इन साउंड देता है बिंदु में कौन सा साउंड है इन इन समटाइम्स इट वुड बी इन और समटाइम्स इट वुड बी इन ऑल्सो ओके यहाँ ये साउंड इन का साउंड दे रहा देखिये पांच इन च पांच प पा, पा में आकी मात्रा लगा हुआ है प और ये है चंद्र ऊपर प देन ये इन है पा, इन च पांच ओके फाइव पांच फाइव ठीक है देखिये छ अह, छह में क्या लगा हुआ अह की मात्रा छ में अह की मात्रा लगा हुआ छ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं छ प्लस ह छह छह भी कह सकते हैं या तो छह प्लस ए छ भी कह सकते हैं ठीक है मैंने यहाँ छह लिखा हुआ है छ Sa the saat sa the saat, saat, saat. Aat, 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 aat. now 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 the sir दस एक बार फिर से कह लें एक, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस हो गया गिनती हमारा दस तक ओके अब हम क्या करने जा रहे हैं मात्राएं सीखने जा रहे हैं कौन सी मात्रा सीखने जा रहे हैं आज हम आ की मात्रा आज हम आ की मात्रा सीखेंगे देखिए आ त प्लस आ ता रा ओके ता प्लस रा तारा आ की मात्रा देखिए आ की मात्रा दिस इज आ की मात्रा वन स्टिक ओके द सिंबल ऑफ आ इज दिस वन स्टिक सो प्लस स्टिक इज ता प्लस्टिक इोइंग टू लर्न फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न आ की मात्रा वाले शब्द okay? आ मात्रा वर्ड्स तो चलिए बच्चे हम सीखते हैं आ मात्रा वाले शब्द ठीक है देखिए आकेंड व Ra, t, ra. This is ra plus a. Ra, t, ra. This is la plus a. La, l. You should not say la. If you say la, le, lel, you will be pronouncing it lal. The a matra should be, your mouth should open a wide. A, a, not a, uh, uh, like that. Okay.

Har hand pa ne pan ha -th, haat, hand pa ne pan beetle leaf beetle leaf is there no uh, that one which which tree lane we used to say in Tamil no pa ne pan ला, ताला यहां देखिए इन फर्स्ट लेटर ऑल्सोर इज मात्रा फॉर द सेकेंड लेटर ऑल्सो आ ला सो जॉइन टुगेदर ता प्लस ला, ता ला. Okay, ताला मीन्स लॉक ताला मीन्स लॉक मा ला Mala. Mala means garlands. Ka la Kala. Black colour. Kala movie you have saw, no? Hmm? How that was? They will, they will be wearing all the, he uh, is, the hero is wearing the black colour dress always, isn't it? So that is a Kala. Kala is a black colour. Kala means black colour. And that movie also uh, he is wearing. Rajnikant is wearing only the black black cloth, isn't it? So, Kala. That's why the name for that movie is given as a Kala. At the last scene, also, uh, what they are doing? They are throwing the black color uh, powder, isn't it? So, that also black in color. So, the movie name is a Kala, black. Okay. Ah, na, ah na, to come. Ja na Jana to go ka na khana, to eat da da dada -da, grandfather, father's grandfather, your father's father is a dada na na na, -na your mother's father is a na. to you. दादा ईज फादर्स फादर नाना इज मदर्स फादर ओके बोथ वी आर से ग्रैंड फादर बट हियर इन हिंदी दट इज डिफरेंट दादा नाना ठीक है बा द लादल यू शुड नॉट सेल बी प्रोनाउंस इंग उ मान मानव, ह्यूमन सागर ओशन जवान सिंह नाउ की मात्रा इज इन लेटर ओके ज जवान जवान मींस यंग यूथ म हान ग्रेट महानस ग्रेट ज हा जहाज शिप ग म ला गमला पॉट क म ला कमला कमला इज द नेम नेम ऑफ अ गर्ल ओके देखिए फिर से हम देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स के लिए अर्थ नहीं बताया आपको आम मैंगो रात नाइट लाल रेड कलर काम वर्क नाक नोस नाम नेम Heart, hand, paan, beetle leaf, tala, lock, mala, garland, kala, black color, ana, to come, jana, to go, khana, to eat, dada, grandfather, fathers, nana, ग्रैंड फादर मदर्स बादल क्लाउड मानव ह्यूमन सागर ओशन जवान यूथ यंग ओके महान ग्रेट ग्रेट पर्सन महान लोग महान मीन्स अ ग्रेट पर्सन वेरी ग्रेट ओके जहाज शिप जहाज शिप गमला कमला इज द नेम ने गर्ल ओके अभी आप ये सब इस वर्ड्स को टू टू थ्री टाइम्स पढ़ लीजिए ओके okay? एक बार आप भी पढ़ लीजिए और प्रोनाउंस कीजिए पहले स्लाइड में मैंने आपको क्या दिया था अ वर्ड्स वी रेड अ वर्ड्स टू लेटर वर्ड्स थ्री लेटर वर्ड्स एंड द फोर लेटर वर्ड्स ओके and now this is the a matra a word the matra a shabd a we have completed by the next time when i get time during these slides time we will be learning e words we will be learning e words okay now you say yaad kar leje, theek pronounce karke dekh leje and learn the meanings also okay.